किसी ने क्या खूब कहा है कि क्यों घबराते हो तुम दुख होने से, जीवन की तो शुरुआत ही हुई है रोने से। मैं जय उत्तरानी, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तरानी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हमारा सब ग्रुप का 9th वीडियो लेक्चर, इससे पहले मैंने इसके 8 पार्ट बना दिए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा 9th वीडियो लेक्चर। इसमें हम एक इंटरसेक्शन पे बेस्ड थ्योरम है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब अगर दो अलग अलग सब ग्रुप ले लें, मान लीजिए एच वन और एच टू ले लें, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब एच वन इंटरसेक्शन एच टू भी क्या करेगा, सब ग्रुप फॉर्म करेगा। ये हमको प्रूफ करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। आप्टेरी कलेक्शन या आप्टेरी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन और यूनियन है ना, इन तीन चार थ्योरम में से कोई ना कोई एक थ्योरम आपको हमेशा अल्टरनेट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत मन लगा के बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, बहुत अच्छे से मैं कोशिश भी करूँगा कि इसको बहुत बेसिक तरीके से, बहुत इजी कॉन्सेप्ट लेके इसको मैं समझा दूँ। अब देखिए, पहले मैं यहाँ रफली समझा दे रहा हूँ, फिर प्रॉपर लैंग्वेज लिख दूंगा। अब भाई, अगर मान लीजिए एच कोई सब ग्रुप है, तो क्या होगा, अगर कोई दो मेंबर ए बी उस एच में आते होंगे, तो वो इम्प्लाइज करेगा कि ए बी का इनवर्स भी एच में आएगा। ऐसा कैसे? ऐसा नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन ऑफ सब ग्रुप से, आपने पढ़ा होगा, द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन ऑफ अ सब ग्रुप एच ऑफ जी इफ ए बी बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, मतलब अगर कोई दो मेंबर आ रहे हैं, तो एक मेंबर दूसरे का इनवर्स भी अगर उस एच में आता है, तो एच सब ग्रुप होगा। और मैंने वहां पे बताया था कि सब ग्रुप दिखाने के लिए बस हमको ये एक कंडीशन दिखानी होगी, अगर हम ये एक कंडीशन दिखा दिए तो एच सब ग्रुप फॉर्म कर जाएगा। पूरी उसमें चार प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये चारों हमें नहीं दिखानी होगी। ये जो चार प्रॉपर्टी दी रहती है, ये न्यूमेरिक कोई क्वेश्चन आए तो वहां पे यूज करने के लिए रहता है। जब थ्योरम की बात आप करोगे, तो आप इस कंडीशन से काम चला लोगे। ठीक है, अगर एलिमेंट की बात करें, तो अगर सेट की बात करें, तो एक दो प्रॉपर्टी और है, एच एच इनवर्स को एच के बराबर दिखाना है ना, वो सब लेकर के आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इस बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करके, या थ्योरम कह लो, नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन, इस थ्योरम को लेकर के हम इसको इसके इंटरसेक्शन को सब ग्रुप दिखा देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि ए बी इस एच वन में बिलोंग करता है, तो ए बी इनवर्स भी इस एच वन में बिलोंग करेगा। ठीक है, दो की बात किया है ना, इंटरसेक्शन किसी दो की लेके चलना है ना, टू सब ग्रुप। अब इसी तरह ए बी इस एच टू में भी आता होगा और ए पी इनवर्स भी आता होगा एच टू में। भाई दोनों अलग अलग सब ग्रुप हैं, सब ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, ए और बी एच वन में आ रहा है, तो ए बी इनवर्स भी एच वन में आएगा। ठीक है, ये तो सब ग्रुप की डेफिनेशन से हो गया, इसी तरह एच टू के लिए सब ग्रुप की डेफिनेशन से हो गया। ठीक है, अच्छा आप ये बताओ कि अगर मैं ये कहूँ कि ए इंटरसेक्शन में सेट है, सेट में मेंबर बिलोंग करता है, ये ए स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो तुरंत एक चीज माइंड में क्लिक करेगी कि भाई अगर इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में वो मेंबर आते हैं जो दोनों में कॉमन हो। मतलब ये ए इसमें भी आया होगा और ये ए इसमें भी आया होगा, बात तो समझ में आ गई और सही भी है ना। इंटरसेक्शन का मतलब तो यही होता है कि जो चीज दोनों में आई हो। ठीक है, अब देखिए, अब ये ए बी इस एच वन में भी आ रहा है, इस ए बी इस एच टू में भी आ रहा है, तो मतलब ये ए और ये बी इस एच वन इंटरसेक्शन एच टू में भी आ रहा है। ठीक है, इतना कह सकते हैं। ठीक है, और ये ए बी इनवर्स, ये अलग से सब ग्रुप है तो इसमें भी आएगा, ये अलग से सब ग्रुप है तो इसमें आएगा, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगा, सब ग्रुप फॉर्म हो गया। अब इसी को थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लैंग्वेज यूज होती है, उस लैंग्वेज में लिख के फिर से उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आइए समझते हैं, लेट एच वन एंड एच टू बी टू सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा है ना, पहले भी मैंने बताया, टू सो दैट एच वन इंटरसेक्शन एच टू इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, फॉर दिस वी हैव टू सो दैट ए बी बिलोंग्स टू एच वन इंटरसेक्शन एच टू, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच वन इंटरसेक्शन एच टू। मैंने बताया नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन, ए और बी अगर एच वन में आ रहा है, तो ए बी का इनवर्स भी एच वन में आएगा। ठीक है, ये बात हो गई, तो इंटरसेक्शन को अगर सब ग्रुप दिखाना है, तो इंटरसेक्शन के लिए भी ये कंडीशन दिखानी होगी। अगर इतना बिलोंग कर रहा है, तो ये इम्प्लाइज करेगा इसको, तो इतना लेकर चलें, इम्प्लाइज वाला दिखा दें, बात बन जाएगी। लेट ए बी बिलोंग्स टू एच वन इंटरसेक्शन एच टू,
मान लिए। अब ये बताओ कि ए बी इंटरसेक्शन में आ रहा है तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, वही मैंने लिख दिया, इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू एच वन एंड ए बी बिलोंग्स टू एच टू, ठीक है। नाउ सिंस एच वन एंड एच टू आर सब ग्रुप्स, दोनों सब ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, देन दोनों सब ग्रुप की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। मतलब क्या, ए बी बिलोंग करेगा एच वन में, इम्प्लाइज करेगा ए बी इनवर्स एच वन में बिलोंग करे, एंड ए बी बिलोंग करेगा एच वन में, ये भी इम्प्लाइज करेगा कि ए बी इनवर्स बिलोंग करे एच टू में, सब ग्रुप की नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन। अब ये बताओ कि ए बी इनवर्स एच वन में भी आ रहा है, ए बी इनवर्स एच टू में भी आएगा, तो ऑब्वियस है जो चीज़ दोनों में आ रही है वो उसके इंटरसेक्शन में भी आएगी। यही हमको दिखाना था, यही हमने दिखा दिया, मतलब एच वन इंटरसेक्शन एच टू भी सब ग्रुप प्रूफ हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।